Saffron English Medium School. Now today we learn about Standard 3 English Chapter Number 5, The Balloon Man. तो क्या कहा है, Does a balloon man visit your market? यानी कि क्या आपके मार्केट में कभी कोई balloon man आया है? Let's see what this balloon man bring with him. यानी कि वो balloon man आपके साथ क्या करता है, वो हमें यहाँ पे देखना है. तो चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है, द बलून मैन. ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डे एंड होल्ड्स बलून्स अ लवली बंच. यानी कि हमेशा एक बलून मैन मार्केट में आता है, मार्केट यानी कि बाजार, एंड होल्ड्स बलून्स अ लवली बंच, यानी कि उसके हाथ में बहुत सारे बलून हैं जो बहुत ही अच्छे दिखते हैं. उसके बंच यानी कि जो बलून के बंच है वो उसके हाथ में होते हैं. एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टे, यानी कि वो मार्केट में एक जगह पे स्क्वायर यानी कि किनारे पर खड़ा रहता है. एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, यानी कि उसको अपने खाने पीने की परवाह नहीं होती है. तो क्या कहा है, तो मार्केट में ऑलवेज हमेशा एक बलून मैन आता है, उसके हाथ में बहुत अच्छे बलून्स के बंच होते हैं. एंड वो मार्केट में एक जगह पे यानी कि किनारे खड़ा हो जाता है और उसको अपने खाने पीने की भी परवाह नहीं होती है. दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन, एंड वेन इट इज अ सनी डे, यानी कि उसके हाथ में रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन जैसे बलून्स होते हैं और वो सनी यानी कि धूप वाले दिन आता है. द कार्ट्स एंड पीपल गेट बिटवीन, यू सी देम साइनिंग फेयर अवे, यानी कि वो जब मार्केट में एक किनारे पर खड़ा होता है और धूप वाला दिन होता है तो हम उससे दूर से देखते हैं, तो वो उसके हाथ में जो गुब्बारे होते हैं वो बहुत ही चमकते हैं. एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, ऑल टाइड टुगेदर विथ अ स्ट्रिंग, यानी कि उसके पास कुछ बड़े बलून्स भी होते हैं और उसके पास कुछ स्मॉल यानी कि छोटे बलून्स भी होते हैं. ऑल टाइड टुगेदर विथ अ स्ट्रिंग, और वो उस बलून्स को टाइट से पकड़ता है. एंड इफ देर इज अ वाइंड एट ऑल दे थक एंड थक लाइक एनी थिंग, और फिर वाइंड यानी कि जब तेज हवा चलती है तो वो बलून मैन है वो थक यानी कि जून. तो जो बलून मैन है वो जब तेज़ हवा आती है तो उसके पास जो सारे गुब्बारे हैं वो झुंड में टाइटली पकड़ के खड़ा होता है. सम डे परहैप्स ही विल लेट देम गो एंड वी शॉल सी देम साइलिंग हाई एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, दे वुड लुक प्रीटी इन द स्काई. यानी कि फिर यहाँ पे बच्ची है वो कहती है कि हम सोचते हैं कि जब तेज़ हवा आती है और उस बलून मैन है उसके हाथ से जो बहुत सारे बलून है वो उड़ जाते हैं आसमान में बहुत हाई यानी कि ऊंचाई तक, तो वो बलून बहुत प्रीटी यानी कि बहुत ही अच्छे लगते हैं. तो क्या कहा है, ऑलवेज यानी कि हमेशा एक मार्केट में बलून मैन आता है, उसके हाथ में बहुत सारे अच्छे बलून के बंच होते हैं, वो मार्केट के एक किनारे में खड़ा होता है और वो उसको अपने खाने पीने की भी चिंता नहीं होती है. उसके हाथ में रेड, पर्पल, ब्लू, ग्रीन जैसे बलून्स होते हैं, वो धूप वाले दिन आता है तो हम दूर से देखते हैं तो वो बहुत ही चमकते हैं, और उसके पास कुछ बड़े बलून्स भी होते हैं, कुछ छोटे बलून्स भी होते हैं, और फिर वो उसको टाइट पकड़ के खड़ा होता है, और जब तेज़ हवा आती है तो वो और भी जो बलून का बंच है वो और भी टूट यानी कि झुंड में पकड़ के खड़ा होता है. फिर वो यहाँ पे बच्ची वो कहती है कि हम सोचते हैं कि जब बहुत तेज़ हवा आती है तो उसके हाथ से जो सारे बलून्स हैं वो उड़ जाते हैं आसमान में ऊंचाई तक, तो अब वो कैसे यानी कि बहुत ही अच्छे लगते हैं. तो यहाँ पे न्यू वर्ड्स दिए हैं, बंच यानी कि झुंड. तो बंच यानी कि किसे कहते हैं, झुंड, जो बलून्स बंच में होते हैं, बनानास बंच में होते हैं, फ्लावर्स बंच में होते हैं, ऐसे बंच यानी कि झुंड. फिर लिखा है स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि किनारा. सनी यानी कि धूप वाला दिन. थग यानी कि झुंड.
फिर नेक्स्ट क्या है, रीडिंग इज फन. तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं. वेयर डज द बलून मैन स्टैंड, यानी कि बलून मैन कहाँ खड़ा होता है. द बलून मैन स्टैंड एट द मार्केट स्क्वायर, यानी कि वो मार्केट में एक किनारे पे खड़ा होता है. व्हाट हैपन्स टू द बलून्स व्हेन देयर इज अ वाइन, यानी कि वो जो बलून मैन है वो तेज हवा आती है तो क्या करता है. व्हेन देयर इज अ वाइन द बलून्स थक लॉट ऑफ टाइम्स, यानी कि वो काफ़ी टाइम तक तेज हवा आती है तब वो टाइट पकड़ के खड़ा होता है बलून्स को. व्हाट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बलून मैन डू, यानी कि वो बच्चे देखते हैं कि बलून मैन क्या करता है. तो हम आंसर क्या लिखेंगे, द चाइल्ड लाइक टू सी दैट सम डे अ बलून मैन विल लेट गो टू ऑल द बलून्स, देन द बलून्स विल फ्लाई हाई इन द स्काई एंड द चाइल्ड वुड सी देम फ्रॉम बिलो, यानी कि वो बच्चे हैं वो कहते हैं कि हम देखते हैं कि कुछ कोई दिन अगर बड़ी तेज़ हवा आती है और उस बलून मैन के हाथ से अगर बलून्स है वो आसमान में उड़ जाए तब वो बहुत ही अच्छे लगते हैं. फिर लिखा है टॉक टाइम, हाउ हाई कैन बलून्स फ्लाई, यानी कि जो बलून्स है वो कैसे आसमान में ऊंचाई तक उड़ते हैं. द बलून्स कैन फ्लाई वेरी हाई डिपेंडिंग अपॉन द विंडो विंड, यानी कि बलून्स है वो डिपेंडिंग विंड, यानी कि जब तेज़ हवा आती है तो काफ़ी ऊंचाई तक उड़ते हैं और जब कम हवा तेज यानी कि कम हवा लगती है तो बहुत ऊंचाई तक नहीं जाते हैं. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस पोएम, यानी कि आपको इस पोएम में क्या अच्छा लगा. तो हम क्या आंसर लिख सकते हैं, आई लव वॉचिंग कलरफुल बलून्स, यानी कि मुझे कलरफुल बलून्स को देखना अच्छा लगा. फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, वर्ड बिल्डिंग, आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द जंबल लेटर एंड राइट द वर्ड इन द स्पेस प्रोवाइड, यानी कि हमें यहाँ पे जो स्पेस दी है उसमें ये जो वर्ड्स दिए हैं उसको हमें जंबल लेटर में लिखना है. तो सबसे पहले कुछ क्या लिखा है वर्ड में, डबल एल ए बी डबल ओ एन एस, तो उसका जंबल वर्ड क्या बनेगा, बलून्स. फिर ऐसे ही पास में क्या बनेगा, लंच. फिर क्या बनेगा, ब्लू. फिर नेक्स्ट क्या बनेगा, पीपल. फिर क्या बनेगा, बिलो. और लास्ट का क्या बनेगा, कार्ट. तो ऐसे ही आपको ये जो स्पेस दी है उसमें ये जो वर्ड दिए उसको परफेक्ट अरेंज करके जंबल लेटर में वर्ड लिखना है. फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, पुट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स, यानी कि हमें यहाँ पे नीचे जो बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं उसमें से जो वर्ड आता हो यहाँ पे वो हमें ग्रुप में लिखना है. तो नेचर में क्या आएगा, स्काई ग्रास और विंड. तो क्या है, यानी कि आसमान ग्रास यानी कि जो घास होती है वो विंड यानी कि हवा, तो वो सब क्या है, नेचर. फिर लिखा है फूड, तो फूड में क्या आएगा, टर्निप पाइनएप्पल और राइस. फिर कलर में क्या आएगा, ग्रीन पर्पल येलो वाइट. फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं क्या लिखा है, हाउ मैनी कलर्स कैन यू फाइंड हाइड इन दीज मेज राइट देयर नेम्स बिलो, यानी कि हमें यहाँ पे मेज़ दिखाई दे रहा है उसमें से आपको कौन कौन से कलर दिखाई दे रहे हैं उसमें राउंड करना है, आइडेंटिफाई यानी कि फाइंड खोजना है और वो हमें यहाँ पे नीचे ब्लैंक्स दिए हैं उसमें हमें लिखना है. तो सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, वाइट. तो देखिए मैंने वाइट के ऊपर राउंड किया है. फिर लिखा है वायोलेट, तो फिर यहाँ पे हमें वायोलेट कलर कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये रहा वायोलेट. फिर दिखाई दे रहा है रेड, तो ये रहा रेड कलर. फिर पर्पल, तो ये रहा पर्पल कलर. फिर यह येल्लो, तो ये रहा येल्लो कलर. फिर ब्लू, तो ये रहा ब्लू. और ऐसे ही आपको मेज़ में और भी डिफरेंट कलर दिखाई दे रहा है, तो वैसे मैं आपको बताती हूँ और क्या क्या कलर है. जैसे कि पिंक दिखाई दे रहा है. फिर आपको ऑरेंज दिखाई देता हो तो ऑरेंज लिखना है. फिर यहाँ पे देखो हमें ब्राउन दिखाई दे रहा है तो हम ब्राउन लिख सकते हैं. फिर और भी कलर दिखाई दे रहे होते हैं आपको तो वो आप और भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये रहा ऑरेंज. तो ऐसे ही आपको जितने कलर्स इस मेज़ में दिखाई देते हैं वो आपको ढूंढ के लिखना है. फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द बलून्स विद देयर ऑपोजिट यू कैन फाइंड देम इन द पोएम द बलून मैन वन इज डन फॉर यू,
यानी कि हम यहाँ पे कहा गया है कि जो बलून्स दिखा दे रहे हैं उसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसके ऑपोजिट वर्ड हमें यहाँ पे बलून में जो ब्लैंक दिखाई दे रही है उसमें लिखना है। तो देखिए नेवर का आएगा ऑलवेज, वो हमें डन करके दिया है। फिर लिखा है स्मॉल यानी कि छोटा, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, बिग। फिर लिखा है रेनी यानी कि बारिश, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, सनी यानी कि धूप। फिर लिखा है लो, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, हाई। फिर लिखा है सीट यानी कि बैठना, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, स्टैंड यानी कि खड़ा होना। फिर लिखा है नियर यानी कि नज़दीक, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, फार यानी कि दूर। तो हम यहाँ पे ऐसे ही जो बलून्स दिखाई दे रहे हैं उसमें जो वर्ड्स दिए हैं उसके ऑपोजिट वर्ड हमें यहाँ पे बलून में जो ब्लैंक दी है उसमें लिखना है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते क्या है, एक्सरसाइज टीम टाइम यानी कि टीम के साथ बनाना है। टेक एनी मैगजीन और न्यूज़पेपर विच हैज़ कलरफुल पेज, यानी कि आपको मैगजीन और न्यूज़पेपर लेना है और उसमें से जो कलरफुल पेजेस है वो लेना है। कट आउट बलून्स ऑफ वेरियस साइज एंड शेप केयरफुली यूजिंग अ पेयर ऑफ सीजर, यानी कि आपको वो जो कलरफुल पेज है उसमें आपको बलून के शेप में जो भी पेज कलरफुल दिखाई देता हो उसमें से आपको उसमें आपको बलून के शेप में केयरफुली यानी कि आराम से सीजर की मदद सीजर की हेल्प से बलून के शेप में हमें कट करना है। पेस्ट द बलून ऑन अ लार्ज शीट ऑफ पेपर, यानी कि वो जो हमने बलून के शेप में काटा है सीजर से वो आपको लार्ज शीट यानी कि जो बड़ी वाली शीट होती है पेपर की उसमें आपको चिपकाना है। अरेंज देम टू मेक अ कलरफुल बंच ऑफ बलून्स, यानी कि आपको कलरफुल बलून्स का जो बंच है उसमें अरेंज करके आपको चिपकाना है। ड्रो अ स्ट्रीक फॉर ईच बलून इन अ डिफरेंट कलर, वो जो आपने बंच के बलून के जो बंच थे उसको अरेंज करके आपको चिपकाना है और उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर फिलअप करने हैं। फिर यहाँ पे लिखा है से लाउड यानी कि जोर से बोलना है, जैसे कि स्ट्रिंग स्ट्रीम स्ट्रॉन्ग स्टैंड स्टिंग स्टील, वैसे ही फ्यूल हॉल माई माई टेल टेल सेल सेल। तो ऐसे ये जो न्यू वर्ड्स है वो हमें से लाउड यानी कि जोर से बोलना है। तो हमें यहाँ पे इस चैप्टर में क्या कहा, सबसे पहले हमने देखा कि जो बलून मैन है वो क्या करता है, वो ऑलवेज मार्केट में आता है, उसके हाथ में कुछ नए नए बलून्स होते हैं, वो उसके हाथ में नए नए रंग के कलर के बलून्स दिखाई देते हैं, वो मार्केट में किनारे जाके खड़ा हो जाता है, उसको अपने खाने पीने की परवाह नहीं होती है, उसके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर के बलून्स होते हैं, वो धूप वाले दिन आता है, फिर हम दूर से वो बलून्स को देखते हैं धूप वाले दिन तो वो चमकते हैं, फिर उसके पास बिग यानी कि बड़े और कुछ छोटे भी बलून्स होते हैं, वो उसको टाइटली पकड़ के खड़ा होता है, जब तेज़ हवा आती है तो वो सारे बलून्स के झुंड है वो टाइटली पकड़ के खड़ा होता है। फिर यहाँ पे बच्ची है वो सोचती है कि अगर तेज़ हवा आती है और उस बलून मैन के हाथ से सारे गुब्बारे हैं वो अगर उड़ जाते हैं आसमान में बहुत ऊंचाई तक तो वो बहुत ही प्रीटी लगते हैं। फिर हमने यहाँ पे न्यू वर्ड्स देखे, फिर यहाँ पे हमने रीडिंग इज़ फन और टॉक टाइम में कुछ क्वेश्चन आंसर देखे, फिर आगे हमने क्या देखा, वर्ड बिल्डिंग, तो हम यहाँ पे कुछ इनकरेक्ट वर्ड दी है उसको हमें सेट करके जंबल लेटर में लिखना है वर्ड। फिर यहाँ पे जो बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं उसको अरेंज करके यहाँ पे वर्ड के हिसाब से ग्रुप में लिखना है। फिर यहाँ पे मेज़ में हमें जो भी कलर डिफरेंट डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं उस पर सर्कल करना है और उसके नीचे जो लाइन दी है उसमें लिखना है। फिर नेक्स्ट क्या है, एक्सरसाइज में जो बलून्स में वर्ड दिए है उसके ऑपोजिट वर्ड बलून में जो ब्लैंक दिखाई दे रहा है उसमें लिखना है। फिर टीम टाइम में बताया कि बलून्स कैसे बनाने हैं पेपर शीट में। फिर हमने देखा कि ये जो वर्ड्स है वो से लाउड यानी कि जोर से बोलने हैं। थैंक यू बच्चों।